हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप कटरा तक कैसे पहुंचे और कटरा के बाद माता वैष्णो देवी के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे पर्ची कटती है और आप अर्धकुंवारी तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अर्धकुंवारी हाफ वे पॉइंट पड़ता है। पहली वीडियो में मैंने दिखाया था स्टार्टिंग से लेकर अर्धकुंवारी तक का पार्ट, और इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं अर्धकुंवारी से निकला हूँ, सिर्फ 50 मीटर पीछे मेरा अर्धकुंवारी है। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा अर्धकुंवारी से आगे भवन तक आप कैसे पहुँचें। तो बने रहिए इस वीडियो में और अगर एंड तक देखें इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अर्धकुंवारी से भवन तक। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, बैटरी वाली रिक्शा होती है। अर्धकुंवारी से भवन तक का चार्ज इसका है 350 रुपये और भवन से अर्धकुंवारी तक का 250 रुपये के आसपास चार्ज है इसका। तो आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है। तो सुबह अभी हमें चल चुका 8 किलोमीटर। सुबह 8 बजे में चला था, अभी बज चुके हैं कितने 11। तो 3 घंटे में मैं 7 किलोमीटर चला हूँ। अभी हम यहाँ पे खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ, बहुत देर से कुछ मिल नहीं रहा है। पिछली वीडियो पूरी ऐसे निकल गई। अब कुछ खाने के लिए देखते हैं, यहाँ खाना खा के तब आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक साइन बोर्ड का भोजनालय तो मिला था, लेकिन वो बंद था अभी। मतलब उसका ब्रेक चल रहा है, 1 घंटे का ब्रेक होता है बीच में। आगे चल के ढूंढेंगे कुछ क्या मिलेगा क्या नहीं। एक हल्दीराम का ऑर्डर दे दीजिए नमकीन को। एक राजमा राइस कोटी का भी भैया, एक राजमा राइस। एक चाय दे। तो मैं पहुंच गया अभी हिमकोटी व्यू पॉइंट पर। 7 रुपये की चाय, 8 रुपये की कॉफ़ी और 45 रुपये का राजमा राइस। यहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। बैठने के लिए सीटें बनी हुई हैं, बिना सर पे लंबी, लेकिन जाली लगी हुई है, वो अंदर नहीं आ सकता। तो इसलिए अभी चाय पीते, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं भवन की तरफ। तो अभी चलते चलते थोड़ी आगे पहुँचा था मैं। ये देखो कोहरा कोहरा आया, धुंधा पता क्या है। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़ारा है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर तक भवन से है। यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, 2 किलोमीटर और चलते हैं, फिर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो 10-11 किलोमीटर चलने के बाद हमें दर्शन हो गए भवन के। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा भवन। तो चलो दर्शन करते हैं भवन को मैं जाके। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर होगा। तो यहाँ पर भी पर्ची चेक होगी और ग्रुप नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे अपना यात्रा स्लिप दिखा के ग्रुप नंबर मिला है 13। ग्रुप के साथ आपको अंदर जाना है दर्शन करने के लिए। 13 नंबर मुझे मिला है, पूरा सामने भवन। तो अब आगे से चलते देखते हैं।
तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ मनोकामना भवन पे, ये मेरे पीछे मनोकामना भवन है। यहाँ पे आपको स्टे के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और बैटरी वाली टैक्सी के लिए आपको यहाँ से बुकिंग मिल जाएगी। और इधर ये खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है, जो क्या कहते हैं उसको, जो श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट भी है यही। और यहाँ पे भेंट शॉप भी है, आप प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पे माता रानी के लिए। और यहाँ रोपवे का रास्ता भी है, जो तो अभी आगे चल के देखते हैं, पहले दर्शन करके आते हैं फिर ऊपर जाएंगे भैरव बाबा का रोपवे ले। तो यहाँ पे बैग की चेकिंग होती है और आगे दर्शन के लिए चले जाते हैं। बैग चेक करवाने के बाद आगे माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जूते जमा करवाने पड़ेंगे, यहाँ तो खुला स्टैंड है, आगे कहीं जमा करवाने वाला होगा तो वहाँ जूते जमा करवाएंगे फिर जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे लॉकर रूम में अपना कैमरा बैग और शूज सब कुछ रखना पड़ेगा, यहाँ से आगे कैमरा अलाउ नहीं है। तो अभी जो दर्शन करके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ आपको ये लॉकर रूम मिलेगा, काफ़ी स्टोरेज रखने के लिए जगह होती है इसमें, और इसमें आपको लगाने के लॉक भी वहीं से मिल जाता है। आप इसमें अपना बैग शूज बेल्ट वगैरह कैमरा वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। और ये कुछ हेलीकॉप्टर बुकिंग ऑफिस है, जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर की राइड बुक कर सकते हैं भवन तक के लिए। तो ये इसके चार्ज ये दिखा देता हूँ मैं आपको, वन वे फेयर इसके 1800 रुपये है, अगर आपको एक साइड जाना है तो 1800 रुपये का चार्ज लगेगा, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं यहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे चल के देखते हैं क्या होता है आगे। हमें शायद कुछ खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, अभी मैं दर्शन करके आ गया हूँ, अभी देखते हैं आगे जाके कुछ खाएंगे। आगे बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं मेरे सामने। दर्शन के लिए आपको कैमरा अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं कैमरा रख के बाहर ही गया था। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे सागर रत्न भी है और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए अभी चल के सागर रत्न में कुछ खाते हैं, यहीं सबसे अच्छा सागर रत्न ही है यहाँ पे जो मुझे लग रहा है फिलहाल। और आसपास बहुत धुंध आ गई है एकदम, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो चलिए चल के देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। तो अभी मैंने लिया है मसाला डोसा 85 रुपीज़ का। अब यहाँ से अपना ऑर्डर देते हैं और लेके चलते हैं अपना मसाला डोसा। तो ये आ गया मेरा मसाला डोसा। अब मैं बैठ के हूँ यहाँ कॉर्नर की टेबल पे आके, ऐसा कुछ यहाँ करने जा रहा है। यहाँ आसपास थोड़ी शांति है इसलिए मैं कोने में आके बैठा हूँ। ये मसाला डोसा अब इसको खाएंगे और थोड़ी देर इसको खाने के बाद यहाँ पर रेस्ट करेंगे। और फिर बाहर का देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है, धुंधली हो रही है चारों तरफ, सफ़ेद सफ़ेद कोहरा या धुंध जो भी कह लें, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। चलिए खाते अपना मसाला डोसा, उसके बाद यहाँ से देखते निकलने के। तो डोसा खाने के बाद अब मैं जाऊँगा भैरव बाबा मंदिर में। भैरव बाबा मंदिर में जाने के लिए यहाँ से रोपवे पे जो ट्रॉली चलती है, रोपवे पे चलती है, उस पर मैं जाऊँगा। उसका शायद 100 रुपये का टिकट है। तो 100 रुपये का टिकट लेने के बाद आपको 100 रुपये का टिकट लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो अभी यहाँ से भैरव बाबा मंदिर जाएंगे, पहले यहाँ से चल के लेते हैं टिकट। ये ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा था, अभी तो कम भीड़ हो गई यहाँ पर। तो ये बाहर का व्यू है, तो चलिए चलते हैं भैरव बाबा मंदिर पर और लेते हैं रोपवे का टिकट। शायद 100 रुपये का होगा, बाकी जाके मैं दिखाता हूँ आपको कितने रुपये का पड़ेगा वो। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, अभी भीड़ हो रही है, लाइन में घूम घूम के यहाँ तक पहुँचे हम। आगे टिकट काउंटर बने हुए हैं, यहाँ से टिकट लेंगे 100 रुपये का, फिर उसके बाद आगे जाएंगे भैरव बाबा की तरफ। ये कुछ बाहर से भवन का नज़ारा आप देख सकते हैं।
अभी मैं लाइन में खड़ा हूँ टिकट लेने के लिए, तो टिकट लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो 100 रुपये की एक टिकट मिली हमें, सामने का आ रहा बंदर। 100 रुपये की टिकट लेके हम चले रोप वे में। तो अभी टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद मैं चल दिया हूँ रोप वे काउंटर पे, जहाँ पे रोप वे आती है और हम बिठा के ले जाती है। तो उस काउंटर की तरफ हम जा रहे हैं, आगे कुछ ऐसा नज़ारा है। और बाकी सब भी लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो नीचे देख सकते हैं, वहाँ पे रोप वे आएगा, वहाँ से हमें बैठा के फिर वो ऊपर ले जाएगा, जो ये वायर लगी हुई है इनके थ्रू हमें ऊपर ले जाएगा। अभी आगे चल के देखते हैं कैसे कैसे कितनी भीड़ है आगे। तो अब हम चल दिए हैं ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ अंदर का नज़ारा है, बहुत सारे लोग एक साथ बैठा के ले चलते हैं, सब कम से कम 20-30 लोगों को एक साथ बैठाते हैं तब ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा कुछ सामने का नज़ारा है। अभी नीचे बर्फ़ नहीं पड़ी हुई है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको बर्फ़ मिल जाएगी। अभी ऊपर चलते हैं, देखो सामने पहाड़ पर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, मेरे पीछे भी बर्फ़ आ गई है। और अभी ये साइड में से हमारी दूसरी ट्रॉली निकली है नीचे जाने के लिए, 2 ट्रॉली चलती है, एक ऊपर जाती है दूसरी नीचे आती है। और जैसे हम ऊपर पहुँचे देखो सामने भी बर्फ़ आ गई है, नीचे बर्फ़ पड़ी हुई है बिल्कुल फ्रेश, अभी थोड़ी देर पहले ही पड़ी होगी शायद ये, तो यहाँ पे ठंड हो गई है ऊपर आने के बाद, भैरव बाबा के मंदिर पे आने के बाद। अभी ऊपर चलते हैं, उतर के देखते हैं कितना कैसी ठंड है। अभी तो हम बंद है इसके अंदर, बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। अभी देखते हैं बाहर निकल के, ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये आके ऊपर रुक चुका है, अब हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के बाहर देखते हैं कैसा माहौल है यहाँ का, बाहर जाके आपसे मिलते हैं। तो मैं आया था अभी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए ट्रॉली में लेके, ट्रॉली की टिकट थी 100 रुपये की। ऊपर आके इतना बढ़िया नज़ारा है, देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, ये सामने पहाड़ पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है और पीछे कोहरा ही कोहरा, ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो अब चलते हैं अंदर भैरव बाबा के मंदिर में, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं अंदर, शायद कैमरा अलाउ नहीं होगा, तो दर्शन करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो दर्शन करके मैं आ चुका हूँ वापस, अब हम रोप वे पकड़ के वापस नीचे जाएंगे माता के दरबार में, ये भवन बोल भवन के पास, और फिर वहाँ से पैदल पैदल ट्रैक करके वापस नीचे चलते हैं। तो ये था कुछ भैरव बाबा का नज़ारा, यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है। अब वापस चलते हैं रोप वे पकड़ के अपना नीचे की तरफ। ये रोप वे स्टेशन की एंट्री, अब यहाँ से दोबारा अपनी केबल कार पकड़ेंगे और फिर नीचे जाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपनी वापसी वाली केबल कार में, अब चलते नीचे की तरफ, ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, बाहर से भवन दिख रहा है ऊपर से ही, और अब नीचे जाएंगे जहाँ तक ये रोप वे दिख रहा है आपको, पूरा नीचे उतर के जाएंगे हम। अब नीचे चल के देखते हैं, अंदर बहुत भीड़ हो गई है, बिल्कुल भर के चलते हैं इसको, ये जब तक ये भरता नहीं है तो रोप वे वाला ये गाड़ी चलती नहीं है, नीचे या ऊपर जहाँ भी जाती है पूरी भर के जाती है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, आप नज़ारे का एंजॉय लीजिए। तो पहुंच चुके हैं हम वापस नीचे भवन के पास, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के फिर अभी हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, अब हम करेंगे यहाँ से वापसी की यात्रा नीचे की तरफ। तो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आपसे देखते हैं आगे कैसा माहौल है। अभी हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, पता नहीं बारिश कितनी देर तक पड़ेगी या रुक जाएगी, अभी फ़िलहाल तो बारिश में चलना पड़ेगा। अभी चलते हैं आगे और फिर देखते हैं क्या होता है। ये जो ऊपर भवन के पास वो डॉर्मेट्री और रुकने के लिए आपको ये बने हुए हैं रेस्टोरेंट और वगैरह, उनके रेट लिस्ट लिखी हुई है आपको कितने में बेड मिलेगा, बाकी सबको डिटेल्स हिमकोटी में ये वगैरह रास्ते में, बाकी आसपास रास्ते में भी जितने पड़ेंगे
सबके 12 रेट लिस्ट लिख रहते हैं। यहाँ पीछे डॉर्मेट्री बेड्स और नॉर्मल बेड्स मिल जाते हैं आपको। तो भैया अभी बज चुके हैं 3:06 और मैंने वापस उतरना शुरू कर दिया है, दर्शन करके मैं आ गया हूँ। ऊपर बहुत अच्छा मौसम था लेकिन नीचे धुंध है थोड़ी सी ऐसी। तो अभी तक 15-16 किलोमीटर चल चुके हैं, वापस चलते हैं। कितने बजे हैं अभी? 6 बजे तक हम वापस नीचे उतर जाएंगे। अभी देखते हैं कितनी देर में लगेगी नीचे तक जाने में। बाकी मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ, रास्ते में क्या क्या मिलेगा वो भी दिखाता हूँ। जुड़े रहिए, चलते रहिए, देखते रहिए। तो अभी नीचे चलते जा रहे हैं, अभी 9-10 किलोमीटर रह गया कटरा, 9-10 किलोमीटर के डाउन ट्रैक है। ऊपर चढ़ते टाइम ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, नीचे तो बहुत ईजीली उतरा जा रहा है। अभी 2-1 किलोमीटर आए हैं, अभी आगे चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रास्ते में कॉफ़ी पीने के लिए रुका था। सुबह से मेरी 5वीं या 6ठी कॉफ़ी होगी है। यहाँ मैं कॉफ़ी पीने के लिए रेस्ट करता हूँ। सुबह से ऊपर से चल के मैं 3-4 किलोमीटर आ चुका हूँ। अभी मेरे हो गए पैर में दर्द, तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर हम नीचे जाएंगे। नीचे तो अभी तो मैं नए रास्ते से जा रहा हूँ, अब देखते हैं कहाँ से कहाँ जाएंगे। जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे सामने बिल्कुल कटरा सिटी का व्यू दिख रहा है आपको, बिल्कुल नीचे देखिए तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। अब यहाँ पे बैठने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पे जो भी है ये उसके श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट है, इनमें बहुत आपको इजीली मिल जाते हैं सस्ते सामान। कॉफ़ी पीने के बाद मैं फिर चलती हूँ नीचे की तरफ, थोड़ी देर और नीचे जाकर फिर देखते हैं कहाँ कॉफ़ी मिलेगी, कि एक और कॉफ़ी पियेंगे। तो वापसी के रास्ते में आपको जगह जगह डिस्पेंसरी भी मिलेगी, हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्पेंसरी से दवाई वगैरह ले सकते हैं। और बाकी हर चीज़ की दुकान आपको रास्ते में मिलेगी, खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, सब कुछ मिलेगा आपको रास्ते में। तब मैं वापस जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है तो देख सकते हैं। तो वापसी के टाइम जा रहा हूँ सीढ़ियों से। तो मेरी मानो तो उतरते टाइम तो आप सीढ़ियों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चढ़ते टाइम बिल्कुल मत करना, सांस फूल जाएगी, भवन पकड़ना भारी हो जाएगा। उतरते टाइम यूज़ करो। इस बार 271 स्टेप्स हैं उतरने के लिए, इस बार फिर सीढ़ियों से जा रहा हूँ मैं, 270 स्टेप। बार सीढ़ियों से ईजी पड़ता है उतरते टाइम, अगर आप चढ़ते टाइम सीढ़ियाँ ले लेंगे तो आपको ऊपर भवन तक जाना बहुत भारी पड़ जाएगा, सीढ़ी एक सीढ़ियों में ही ख़त्म हो जाओगे आप, तो उतरते टाइम बहुत ईजी रहता है। 270 सीढ़ियाँ उतर चुका हूँ मैं, फिर पैदल चलता हूँ। तो नीचे उतरते उतरते हो गया अंधेरा, अभी भी 4 किलोमीटर बचा है कटरा यहाँ से। ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, दोबारा से मुझे कैप या जैकेट पहननी पड़ेगी। अभी चलते रहते हैं, चल चल के देखते हैं, कुछ खाने को मिलेगा तो रुक के खाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ गुलशन कुमार वाले लंगर का कि वही खा के आऊँ, तो देखेंगे अगर मिल गया टाइम पे तो। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर टाइम लगेगा। टाइम बता देता हूँ, मैं सुबह निकला था 8 बजे और अभी शाम के 5:14 हो रहे हैं, तो मैं वापस आ रहा हूँ, अभी 4 किलोमीटर बचे हैं, देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं।
तो रास्ते में आपको जगह जगह मसाज की चेयर मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको 30 रुपये में 12 मिनट 15 मिनट ऐसे मसाज करवा देते हैं, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6:10 और मैं गुलशन कुमार के लंगर में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पे गुलशन कुमार का जो लंगर चलता है वो लंगर खा के ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए बैग जमा करवाना पड़ेगा, बैग और जूते। सामने मेरे शॉप है, उस शॉप पर जमा करवा दूँगा, बाहर रखने में तो रिस्क है। तो आज गुलशन कुमार का लंगर खाते हैं, फिर उसके बाद बस नीचे ही उतर के, बिल्कुल नीचे उतर के आए। तो वापस आके मैं पहुंच चुका हूँ पीछे, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको पर्ची चेक होती है और आपके हाथ पे स्टैंप लगती है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट, यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ से थोड़ा बहुत ही बचा हुआ कटरा मेन चौक बस स्टैंड है जहाँ पे, वहाँ चलते हैं, देखते कितना टाइम लगेगा। तो मैं पहुंच चुका हूं कटरा मेन चौक पे, जहां बस स्टैंड बोल सकते हैं आप, कटरा का बस स्टैंड है, जहां से आपको यात्रा पर्ची भी मिल जाएगी स्टार्टिंग में। यहां पे मैं पहुंच चुका हूं, यहीं के आसपास मेरा होटल है। तो बस अब चलते हैं अपने होटल में और करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके आगे मैं दिखाऊँगा आपको डल लेक श्रीनगर। तो ये कुछ यहाँ पर आपको रिसेप्शन, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यात्रा पर्ची कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अगर आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पे आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी पर्ची ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं वापस अपने होटल में। तो ऐसा कुछ है, आज मैं टोटल चल चुका हूँ 28 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ऊपर गया और 14 किलोमीटर नीचे आया। ये है कुछ आज के मेरे स्टेप्स। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।